तो चलिए करते हैं शुरू। आपके सामने की जो क्वेश्चन है ये आगे का है, पीछे जो आपको कराना है वो क्वेश्चन है ये वाला। यस, यहाँ पर क्वेश्चन एक बार आप रीड कर लीजिए और अपने आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। मैं आपके सामने क्वेश्चन को रीड कर ले रहा हूँ। अ हेलीकॉप्टर ऑन फ्लड रिलीफ मिशन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली विद द स्पीड यू एट अ डिस्टेंस एच, मतलब एल्टीट्यूड जो है एच है हॉरिजॉन्टल प्लेन से है और यू वेलोसिटी से प्लेन को उड़ रहा है, हैज़ टू ड्रॉप अ फूड पैकेट ऑफ अ विक्टिम स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। उस बंदे को हमें, जब हमारा जो हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, बंदा नीचे खड़ा हुआ है, यहाँ से यू वेलोसिटी से फूड पैकेट, ये ऑलरेडी यू वेलोसिटी से चल रहा है, उड़ रहा है, और इस यहाँ से इस बंदे को, विक्टिम को हमें फूड प्रोवाइड कराना है। तो वो कह रहे हैं इसकी कितनी डिस्टेंस होना चाहिए, जबकि इसका जो एल्टीट्यूड है, जो वर्टिकल डिस्टेंस है ऑफ द एरोप्लेन इज़ द एच। तो यही पूछा गया क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है यहाँ पर, कि यहाँ पर आपका जो है हेलीकॉप्टर है कुछ इस तरह से, ये कुछ उड़ रहा है, बहुत गंदा सा है फिलहाल। ये आपका प्लेन, एरोप्लेन उड़ रहा है इस तरीके से, हेलीकॉप्टर कुछ इस तरह से उड़ रहा है ये, ठीक है। यहाँ से जो है विक्टिम जो है स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, लेट्स से यहाँ पर ये विक्टिम खड़ा हुआ है, विक्टिम मैं यहाँ मान लेता हूँ थोड़ा दूरी पर, और यहाँ पर ये विक्टिम खड़ा हुआ है, ये अपने हॉरिजॉन्टल से एच डिस्टेंस पे है, एच एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मीन्स अ पर्टिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है भाई। तो यहाँ से इस बंदे ने, ये ऑलरेडी जो है हेलीकॉप्टर जो है यू वेलोसिटी से उड़ रहा है, इसने यहाँ से इसको फेंका है और फाइनली इसको ये चीज़ मिलना है, राइट। तो कुछ इस तरह से आएगा ये फूड पैकेट, कुछ इस तरह से इसके पास आएगा। तो हमें बेसिकली ये डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है, हमें ये डिस्टेंस निकालनी है ये वाली। अब ये कितनी दूरी पे खड़ा हुआ है ये हमें नहीं पता है, तो हमने इसकी डिस्टेंस जो है डी मान ली। यहाँ पे हमें ये दूरी निकालनी है, राइट, यहाँ से लेकर यहाँ तक की। तो अगर मैं यहाँ छोटा सा ये ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूँ, मतलब मेरे को निकालना क्या है, निकालना है मेरे को, ये ऑलरेडी एच क्वेश्चन में गिवन है, ये यू वेलोसिटी से यहाँ एरोप्लेन उड़ रहा है, ये डी डिस्टेंस है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर ये जो भाई हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर पाइथागोरस की हेल्प से, है ना। कितने लोगों को पता ये हो जाएगा, क्योंकि पाइथागोरस कहते हैं कि अगर दो राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें बेस स्क्वायर का, बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर होता है हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के, वहाँ से हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। ये थोड़ा गंदा हो गया, मिटा लेता हूँ उसको और साफ सा एक अच्छी सी हट लगा देता हूँ उसके ऊपर, राइट। तो अब ये मेरे को निकालना है, ये मेरे को गिवन है और ये यू वेलोसिटी से ऑलरेडी जो हेलीकॉप्टर है वो उड़ रहा है। अब मेरे को जब ये निकालना है ना डी, ये मेरे को आंसर में नहीं चाहिए। मैं कभी भी कोई जो खुद से मानता हूँ चीज़ों को, जो अजम्पशन करता हूँ, मैंने डी अज्यूम करा है कि वो यहाँ से लेके यहाँ तक डी डिस्टेंस पर है, मतलब इसकी एल्टीट्यूड जहाँ से है ना, एल्टीट्यूड से यहाँ से डी डिस्टेंस पर है, ये मैंने एज्यूम करा है, बट ये मेरे को आंसर में नहीं चाहिए, मतलब ये मेरे को पसंद ही नहीं है। जो मैंने एज्यूम करा है खुद से वो मेरे को नहीं लिखना है यहाँ पर। तो मैं कैसे लिखूँगा इसको? अच्छा, ये पता है आपको कि यहाँ से मेरे को ये रिमूव करना है ना, तो मैं कैसे करता हूँ देखो। आप यहाँ से देखो, ये जो चीज़ है आपकी एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड जो है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, मतलब एस की जगह पर मैं एच लिख सकता हूँ, राइट। और यू मतलब टी, मैंने मान लिया कि टी टाइम पर यहाँ पर आके इसको मिल गया है, तो टी टाइम मतलब ये चीज़ वर्टिकली, अगर मैं देखूँ इसको वर्टिकल डायरेक्शन में, अगर मैं देखूँ वर्टिकल डायरेक्शन में, अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर जो मूवमेंट हुआ है वो एच हुआ है, एच डिस्प्लेसमेंट हुआ है यहाँ पे, टी टाइम में हुआ है और इनिशियल वेलोसिटी इसकी यू थी, राइट। इनिशियल वेलोसिटी इसकी यू थी, लेकिन यू हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थी, वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं थी। मैंने आपको कल भी बताया था कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में चीज़ों को कंपोनेंट तोड़ लेते हैं, तो यू जो कंपोनेंट है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं है, इसलिए यू टी वाला जो टर्म है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर ज़ीरो प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए की जगह पे जी लगाएंगे, यू नो व्हाट व्हाई, बिकॉज फूड ऊपर से नीचे आ रहा है इसलिए जी लगाएंगे, टी टाइम में आया है तो हमने लगा लिया टी स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से अगर मैं टाइम निकालने की कोशिश करूँ तो टाइम बराबर हो जाएगा टू एच डिवाइडेड बाई जी और इसका स्क्वायर रूट ये, राइट। यहाँ से टी जो स्क्वायर रूट आ जाएगा ये टू एच और डिवाइड बाई जी हो जाएगा।
अब मेरे को ये ख़त्म करना है, कैसे करूँ कैसे करूँ। अब मुझे बताओ, अगर कोई अगर मैं हॉरिजॉन्टल मूवमेंट को कंसिडर करूँ, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट को अगर मैं कंसिडर करूँ, हॉरिजॉन्टल, आपको हमेशा सारे ही क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करने होते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन को देख के आपको डरना नहीं है। आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में ही सिर्फ हमेशा सोचिए। अगर आप हॉरिजॉन्टल मोशन में ध्यान से देखें, हॉरिजॉन्टल में किस तरह से देखेंगे, हॉरिजॉन्टल में जो वेलोसिटी है वो यू है, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी भी चेंज नहीं होता है वेलोसिटी का, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का कंपोनेंट कभी चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर जब वेलोसिटी चेंज नहीं होती है हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी चेंज नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे एक्सेलेरेशन जीरो हो जाएगा। और जब एक्सेलेरेशन जीरो हो जाएगा, इसका मतलब हम डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इन टू टाइम लगाएंगे, क्योंकि हमारे तीन जो फार्मूलाज हैं वो हैं एक्सेलेरेशन वाले तीन, जो मतलब न्यूटन के जो लॉज ऑफ मोशन हैं उनमें तीनों में एक्सेलेरेशन आता है, लेकिन डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड टाइम में एक्सेलेरेशन नहीं आता है। अब देखिए ना, सेकंड वाला जो फॉर्मूला है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो जो दो टर्म है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर में ए आ गया, दैट मीन्स वहाँ पे एक्सेलेरेशन है। अगर वो चीज़ जीरो हो जाए तो एस इक्वल टू यू टी तो बचेगा, अब यही लिखा है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये कब लगाएंगे, जब एक्सेलेरेशन जीरो होगा, मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जितने भी होते हैं वेलोसिटी के वो जीरो बराबर होते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे डी बराबर लगाऊंगा, डिस्टेंस लगाऊंगा ना, डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल देख रहा हूँ तो यहाँ पर एच नहीं लगाऊंगा, हॉरिजॉन्टल में ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हुआ है तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डी यू टी, यू क्या है, यू ही है, और टी क्या है, टी ये रख दीजिए, क्यों, क्योंकि इतने टाइम में वो चीज़ नीचे आई है, राइट। तो टी की जगह पे हम लोग देख देते हैं ये कुछ इस तरह से, ट्वाइस ऑफ एच बाई जी, जो आपने अभी थोड़ी देर पहले टाइम निकाला था। आप हमेशा टाइम जो है सेकेंड वाले इक्वेशन से निकालते हैं जो वर्टिकल मूवमेंट कर रहे होते हैं, तो आप ये याद रखिए, कुछ स्टेप्स आप अपने दिमाग के अंदर फिट करके रखा करें। तो यहाँ पर देखिए, ये जो वैल्यू आ गई, ये कुछ डी की वैल्यू आ गई। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर ये वैल्यू रिप्लेस कर देता हूँ। इस क्वेश्चन को कराने का एक ख़ास मकसद है, वो ये कि आप चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाओ कि कैसे करना है, बिकॉज़ ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके नीट में तो ऑब्जेक्टिव आएगा, ऐसे तो नहीं आएगा, लेकिन इससे आपको एक 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 आइडिया मिलेगा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं कि राइट, ये हो जाएगा एच स्क्वायर डी स्क्वायर। तो यहाँ पर एच स्क्वायर जगह तो एच स्क्वायर ऑलरेडी है, ये डी की जगह पे हम लोग क्या रख देंगे, ये रख देंगे, डी की जगह ये रखने का मतलब क्या है, यू स्क्वायर, और ये होगा टू एच वाई जी, राइट भाई। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, डी को एलिमिनेट कर दिया, डी हमें आंसर में नहीं चाहिए था, राइट। जब भी हम कभी आंसर निकालेंगे तो उसमें हमें डी नहीं चाहिए होगा, और उस बार हम लोग ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, राइट। यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से होगा, राइट, ओके। तो हमारे पास ये जो डिस्टेंस आ गई, कौन सी डिस्टेंस निकल कर आ गई, ये वाले डिस्टेंस निकल कर आ गई, यहाँ से लेकर यहाँ तक की है ना, ये डिस्टेंस यहाँ से निकल कर आ गई। अब मैं एक आपको एक क्वेश्चन और कराता हूँ इसी बेस पर, और उसमें जो वैल्यूज़ होंगी कुछ अननोन वैल्यूज़ होंगी यू और जी करके, राइट। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेता हूँ उसका। यहाँ पर पार्टिकल इज ड्रॉप्ड प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली विद द स्पीड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द प्लेन इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, हाउ फार फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन विल द पार्टिकल स्ट्राइक द प्लेन। यहाँ पर ये मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि भाई देखो, ऐसा है कि यहाँ पर कोई किसी एच, मतलब आप कुछ भी मान लीजिए, यहाँ पर कुछ दूरी पर, मतलब किसी टावर पर खड़े होकर यहाँ से किसी चीज़ को प्रोजेक्ट किया गया है, पूरा किया गया है, और वो फाइनली कहाँ जाके, किसी जगह पर जाकर टकराई है, ओके। और जिस जगह से टकराई है वो इंक्लाइंड प्लेन है, और वो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है। अब प्रोजेक्टाइल इज़ प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली विद द स्पीड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द प्लेन इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा, मतलब ये कोई प्लेन है कुछ इस तरह से जो थीटा डिग्री पर झुका हुआ है, तो कुछ ना कुछ हाइट पर होगा ना, तो मैंने वाई मान लिया और यहाँ पर हमने कुछ एक्स मान लिया है, राइट। तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है कि आपको ये क्या निकालना है, ये दूरी निकालना है, और ये दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे मतलब y और x को की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें और आंसर निकाल लेंगे। आपको सिर्फ एक चीज़ दे रखी है, वो है u और है थीटा, राइट। दो चीज़ें आपको दे रखें, और आपके पास जो आंसर आना चाहिए वो इन्हीं दो फॉर्मेट, इन्हीं दो टर्म्स में आना चाहिए, मतलब y और x जो है वो इसी दो टर्म में आए, और तीसरा वाला g हो जाए, क्योंकि g की जो वैल्यू होती है वो नोन होती है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको हमेशा पहले वर्टिकल कंपोनेंट को तोड़ना है वर्टिकली, और दूसरा क्या करना, वर्टिकल के बाद हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल में अगर मैं देखूं तो वर्टिकल में जो मूवमेंट हुआ है इस पार्टिकल का, वो हुआ है आपका वाई, वाई डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो वाई इज इक्वल टू यू टी, क्योंकि यू जो है वर्टिकल कंपोनेंट का, यू जो है वर्टिकल कंपोनेंट में ज़ीरो हो जाएगा,
राइट, यू वाई जो है ज़ीरो है, तो इसलिए यू वाला जो टर्म है वो ज़ीरो हो जाएगा, और हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी जो है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और टी टाइम है मैंने मान लिया कि वो यहाँ से लेकर यहाँ तक आ गया। अब आप दूसरा क्या कर सकते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट निकाल सकते हैं। वर्टिकल कंपोनेंट में अगर आप देखें, सॉरी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में अगर आप देखें, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दो ही कंपोनेंट आपको हमेशा निकालने होंगे डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि आपको ये वाला हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में इस बार वेलोसिटी जो है वो u है ना, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में ये है वो चीज़। तो यहाँ पर जब, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी भी चेंज नहीं होता है, जब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज नहीं होता है यहाँ पर एक्सेलरेशन इसलिए ज़ीरो भी हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर जो है एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम, यू टाइम जो हो गया टी टाइम जो मैंने यहाँ लगाया था वही टी टाइम मैंने यहाँ लगा दिया, क्योंकि जितने टाइम में वो यहाँ पर आएगी वर्टिकली इतना होगा और हॉरिजॉन्टली इतना होगा, राइट। तो मैंने दोनों कंपोनेंट निकाल लिए। तीसरी आप चीज़ निकाल सकते हैं, टैन थीटा इज इक्वल टू, ये मैं दूसरे पेन से लिख लेता हूँ, पेन चेंज कर लेता हूँ, पेन मैं वाइट ले लेता हूँ। यहाँ पर देखो मैं तीसरी जो इक्वेशन है वो लिख सकता हूँ, टेन थीटा इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स लिख सकता हूँ ना, क्यों क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, तो यहाँ से वाई बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, वो आ जाएगा एक्स टेन थीटा। तो मैं वाई की जगह पे एक्स टेन थीटा लिख सकता हूँ इजीली, ओके, और एक्स की जगह पे क्या लिखूँगा, एक्स की जगह मेरे को रखना पड़ेगा ना एक्स इज इक्वल टू यू टी, और टी की तो वैल्यू मुझे पता ही नहीं है, तो आप डायरेक्टली ये लिख सकते हैं वाई की जगह पे, कोई दिक्कत नहीं है, वाई की जगह यहाँ रख देंगे एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, बट एक्स की जगह पे कुछ तो रखूँगा ना, यू टी तो नहीं सकता, क्योंकि टी तो मेरे को एलिमिनेट चाहिए, टी मेरे को चाहिए ही नहीं लाइफ में अपनी, है ना, मेरे को यू चाहिए अपने आंसर में, यू चलेगा, थीटा चलेगा और जी चलेगा, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बस ये तीन चीज़ें चल जाएंगी मेरे आंसर में, लेकिन मैं इसके अलावा कोई भी चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर सकता, राइट। तो एक्स है, एक्स नहीं चाहिए मेरे को, एक्स तो रिमूव हो जाएगा, एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, मेरे पास टेन स्क्वायर थीटा स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बट एक्स स्क्वायर तो फिर भी रहेगा, लेकिन एक्स मेरे को नहीं चाहिए, तो मैं एक्स को यहाँ से रिमूव करने की कोशिश करता हूँ। कैसे करता हूँ, देखिए वाई इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स टेन थीटा, मैं ये वाई इसके इक्वल कर देता हूँ, ये फर्स्ट मान लेता हूँ, ये सेकेंड और ये थर्ड इक्वेशन मान लेता हूँ आपके पास, मैं फर्स्ट एंड सेकेंड में कंपेयर कर रहा हूँ, फर्स्ट और सेकंड में कंपेयर कर रहा हूँ, फर्स्ट और सेकंड में कंपेयर करूँगा तो यहाँ पर फर्स्ट एंड थर्ड में, फर्स्ट एंड थर्ड अगर मैं कंपेयर करूँगा तो यहाँ पर एक्स टेन थीटा बराबर हो जाएगा एक्स टेन थीटा जी टी स्क्वायर वाई टू, राइट, क्योंकि वाई दोनों के लेफ्ट बराबर हैं तो राइट भी बराबर होंगे, मैंने राइट बराबर लिख दिए। यहाँ से आप कह सकते हैं कि x की जो वैल्यू आई है ना, x की जो वैल्यू है वो तो नहीं, आपको t चाहिए यहाँ से, तो एक काम करिए यहाँ से आप t निकाल लीजिए, या फिर एक काम करिए, क्योंकि आपके पास ये जो है x x बराबर यू टी है ना, आपके पास x बराबर यू टी है, तो एक काम करिए x बराबर यू टी यहाँ रख दीजिए, अगर आप x बराबर यू टी यहाँ रखेंगे, चलिए मैं काम करता हूँ एक स्टेप ले लेता हूँ आगे, तो आपके पास क्या निकल कर आया था, वो था क्या था भाई, मैं खुद भूल गया, ये था आपके पास x tan थीटा, यहाँ पर आया आपके पास x tan थीटा, राइट, ये आया आपके पास हाफ g t स्क्वायर के बराबर आया है ना, ये आपके पास आ गया, आपने किससे करा है, फर्स्ट एंड थर्ड से कंपेयर कर लिया है, फर्स्ट एंड थर्ड से आप जब कंपेयर करें तो आपके पास ये मिल गया। मैं चाहता हूँ x बराबर जो ut लिखा हुआ था ना, x बराबर ut, मैं x बराबर यहाँ ut रख देना चाहता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो इक्वेशन निकल के आया आपके पास, मैं यहाँ से x बराबर ut यहाँ पर रख देता हूँ, x बराबर ut मैं इस इक्वेशन में रख देता हूँ यहाँ पर, जब मैं यहाँ रखूँगा तो मुझे दिख जाएगा कि u और t tan थीटा बराबर हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए टी से टी कट जाएगा, एक टी से एक टी कट जाएगा, अब आपके पास सिंपल सा टी बराबर के निकल कर आ जाएगा यहाँ से, टू यू टेन थीटा डिवाइडेड बाय जी, राइट। आप टी की वैल्यू यहाँ पे उठा के कहीं और रख सकते हैं, क्योंकि आपके पास क्या निकला था, आपके पास निकला था
वाई की जो वैल्यू आई थी आपके पास वो क्या थी, ये थी हाफ डी टी स्क्वायर। वाई की वैल्यू आपके पास आई है हाफ वाई इज इक्वल टू टेन थीटा आया था, वो तो आया ही आया था राइट। आप एक काम करिए, यहाँ से ये वाला जो स्लाइड है ना पीछे वाली, यहाँ पर वाई की वैल्यू ये रख दीजिएगा और टी की जगह पे वो जो वैल्यू है वाई एक्स इक्वल टू यू टी, वहाँ पर टी की जगह पे जो वैल्यू निकाली है मैंने अभी ये वैल्यू रख दीजिए। ये टी की जो वैल्यू निकली है वो इसमें फिर से रख दीजिए उठा के। तो यहाँ से मैं पेन एक बार चेंज कर लेता हूँ। तो अगर यहाँ पे वैल्यू रखूँ तो हो जाएगा एक्स बराबर आ जाएगा आपके पास, मैंने ये टी की जगह पर उठा कर रख देता हूँ, ये क्वेश्चन जो है मैं यहाँ उठा कर रख देता हूँ। तो u t की जगह पे मैं पूरा रखूँगा तो ये हो जाएगा 2u थीटा tan थीटा डिवाइडेड बाय g, दैट मीन्स ये हो गया आपके पास 2u स्क्वायर tan थीटा y g राइट। आपके पास x भी आ गया और y भी आ गया। x कितना आया 2u स्क्वायर tan थीटा y g, ये आपके पास आ गया, आपके पास ये एक्स आ गया आपके पास राइट। अब आपको क्या करना था, आपको बेसिकली फाइनली करना था जो टोटल डिस्टेंस थी ना, ये जो आपके पास इंक्लाइंड हेड आई थी ना यहाँ पर, ये जो वैल्यू निकल कर आई थी वो थी वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, यहाँ पे वाई की जगह पे एक्स टेन थीटा रख दीजिए, एक्स टेन थीटा और प्लस एक्स की जगह पे आप ये रख दीजिएगा, या बाद में निकाल लीजिएगा, पहले आप एक्स स्क्वायर ही छोड़ दीजिए। तो एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये, क्योंकि वाई इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा था और यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर पहले से लिखा हुआ है राइट। तो एक काम करिए आप, एक्स कॉमन एक्स स्क्वायर कॉमन लेके एक्स बाहर आ जाएगा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा का बाहर क्या आ जाएगा सेक थीटा। तो यहाँ पर डायरेक्ट मैं सेक थीटा लिख देता हूँ। देखो एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, बाहर एक्स आ जाएगा, अंडर रूट में रह जाएगा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, मतलब टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा के बाहर अंडर रूट के बाहर आ जाएगा सेक थीटा। तो मतलब कि जो वैल्यू आई है वो आई है एक्स सेक थीटा, एक्स सेक थीटा मतलब ये जो वैल्यू आई है आपके पास कितनी आई है, ये वैल्यू आई है एक्स सेक थीटा। अब आप एक्स की जगह पर आप रिप्लेस कर दीजिए वैल्यू यहाँ पर सेक थीटा, एक्स की जगह पर वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए। एक्स क्या था, ये निकल के आया था आपके पास, तो आप यहाँ से वैल्यू रिप्लेस कर दिए u स्क्वायर टू u स्क्वायर tan थीटा y g और sec थीटा, ठीक है भाई। आप इस तरह से वैल्यूज़ को रिप्लेस कर दीजिए और आपके पास ये आंसर निकल कर आ जाएगा राइट, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको बेसिकली वो जो इंक्लाइंड हाइट थी ना वो आपको निकालनी थी और आपने निकाल दी। आपको जब भी कभी भी आंसर निकालना होगा वो उस फॉर्मेट में निकालना होगा जिस फॉर्मेट में आपको जो चीज़ें गिवन है प्रॉब्लम्स में, आपको यू थीटा और जी आपको गिवन था, जी आपको गिवन नहीं होता वो ऑलरेडी आपको नोन होता है। तो देखिए यहाँ पर सिर्फ तीन ही टर्म दिख रहे हैं, यू थीटा एंड जी, इसके अलावा कुछ आपको नहीं दिख रहा है। आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं देखिए, यहाँ पर जो थे ना मैंने यहाँ पर जो कंपोनेंट करे हैं वो कुछ इस तरह से करे हैं, यही था ना भाई, हाँ यही था, मैंने यहाँ पर जो कंपोनेंट करे हैं हॉरिजॉन्टल इसे माना, वर्टिकल इसे मान लिया है ना। तो आप एक काम करते हैं, हॉरिजॉन्टल आप इसे मान सकते हैं, आप यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कुछ इस डायरेक्शन मान सकते हैं, ये कुछ एक्स डायरेक्शन है पॉजिटिव का और पॉजिटिव ये वाला वाई मान लीजिए राइट। ओ क्या हो गया, ये पीछे करता हूँ, ये तो ये आप पॉजिटिव वाई मान लीजिएगा राइट, तब भी हो जाएगा। वहाँ पर फिर क्या होगा, यहाँ पर आप एक्स डायरेक्शन में, क्योंकि ये जो यू है ना वो इस डायरेक्शन में है, आपको यू इस डायरेक्शन में निकालना होगा, क्योंकि एंगल अगर ये थीटा है तो फाइनली ये भी थीटा हो जाएगा। वो आप अलग तरीके से चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप को ये इस तरीके से आपको आंसर चाहिए तो उस तरीके से भी निकल जाएगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि आप मुझे इस तरीके से आंसर चाहिए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रोजेक्टर मैंने आपको मोशन पढ़ा दिया है,
चलिए ये क्वेश्चन देख लेते हैं। अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम अ फील्ड विद अ स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। एट व्हाट डिस्टेंस विल इट हिट द फील्ड अगेन एट जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अ बॉल इज ड्रॉन थ्रोन फ्रॉम द फील्ड विद इन स्पीड ऑफ दिस, और इतने डिग्री से फेंका गया है, मतलब आपको यू दे रखा है कितना 12, और यहाँ पर जो थीटा दे रखा है वो दे रखा है 45। मैं यूनिट यूनिट नहीं लिख रहा हूँ, आपको देख लेना। जी की जो वैल्यू दे रखी है वो 10 दे रखी है, ठीक है। डिस्टेंस पूछिए, डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, क्योंकि हॉरिजॉन्टली वो चीज़ निकालनी होती है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर स्पीड जो है यू कॉस थीटा इंटू टाइम होना चाहिए, और टाइम क्या होता है कंप्लीट मोशन का, टू यू साइन थीटा बाई जी। ये मैंने कहा था आप याद कर लीजिएगा। देखिए अब आप क्या करेंगे, वैल्यूज़ को प्लेस करेंगे। देखिए यहाँ पे यू भी है, थीटा भी है और जी भी है। यू आपके पास ये हो जाएगा 2u, ये काम करिए, ये हो जाएगा आपके पास यू स्क्वायर साइन टू थीटा वाई जी, राइट। आप इसको याद भी कर सकते हैं, नहीं आते हैं तो आप इस तरीके से वैल्यूज़ को रिप्लेस कर सकते हैं। यू स्क्वायर की जगह पर आप रख दीजिए तो मतलब हो जाएगा 12 into 12, और साइन टू थीटा मतलब साइन नाइन्टी की वैल्यू होती है 1, तो ये हो जाएगा 1। जी की जो वैल्यू है वो है 10, यहाँ पे आप काट लीजिएगा 144 by 10, दैट मीन्स 14.4 इज़ द आंसर ऑफ द डिस्टेंस। डिस्टेंस विल बी इन मीटर, यू नो श्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम द स्पीड विद द स्पीड ऑफ यू एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। फाइंड इट्स स्पीड व्हेन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन मेक्स एन एंगल अल्फा। देखो भाई सिंपल सी बात है, ये तो बहुत ही सिंपल जो आपका जो कॉन्सेप्ट है वही है भाई। आपने यू वेलोसिटी से छोड़ा है इसको, जब छोड़ा था तो उसका एंगल थीटा था। वो बोल रहा है कि जब ये एंगल जो है आपके पास अल्फा हो जाए तब जो है आपकी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा। यहाँ पर एंगल अल्फा हो चुका है, तो फाइंड इट्स स्पीड व्हेन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन मेक्स एन एंगल अल्फा। तो मैंने मान लिया यहाँ पर जो एंगल आपकी जो वेलोसिटी है वो वी है। तो हमेशा मैंने आपको बताया कि ये जो कंपोनेंट होंगे इसके, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा इक्वल रहते हैं। तो अरे भैया निकल जा, क्या हो गया, जाते कि तो बड़ी दिक्कत हो जाती है इसको यहाँ पर ये। तो यहाँ पर ये हो जाएगा यू कॉस थीटा इज इक्वल टू वी कॉस अल्फा। यहाँ पर अगर आपको निकालनी है स्पीड ये वाली, तो v बराबर हो जाएगा यू कॉस थीटा और डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा, राइट। और यहाँ से आप लिख सकते हैं यू कॉस थीटा। ये क्वेश्चन हो सकता है आपके में आ जाए नीट के एग्जाम में, और ये आ सकता है सेक अल्फा, राइट। तो पूछ लेगा वेलोसिटी आपकी एंगल पे कितनी हो सकती है, राइट। इस तरीके से लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ बुलेट इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली एमिंग एट एन ऑब्जेक्ट विच स्टार्ट फॉलिंग एट एन इंस्टेंट व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड, शो दैट द बुलेट विल बी हिट द ऑब्जेक्ट। वो कह रहा है कि भाई हिट करेगा। सिंपल से देखो, अगर कोई भी आपने फायर करा, यहाँ से आप बंदूक ले खड़े हुए, यहाँ से आपने फायर करा, यहाँ पर क्या हॉरिजॉन्टली एमिंग एट एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट फॉलिंग, यहाँ से जो ऑब्जेक्ट है वो फॉल होना शुरू हो गया, यहाँ पर आ गया टी टाइम में, वो यहाँ पर आ गया है। बुलेट इज़ फायर्ड, उसी समय क्या है, बुलेट आपने फायर कर दी, शो दैट द बुलेट इज़ हिट द ग्राउंड। तो बुलेट हिट तब करेगी जब आपके पास इनिशियली ज़ीरो हो और फाइनली इस पर जाकर टकरा जाए, राइट। ये आपको निकालना है। तो आपको क्या करना है, वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है। वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, अगर आपने यू वेलोसिटी से फायर किया है, राइट, अगर आपने इसको यू वेलोसिटी से फायर किया है तो इनिशियल वेलोसिटी जो होगी आपकी ज़ीरो हो जाएगी, राइट। इनिशियल वेलोसिटी आपकी ज़ीरो हो जाएगी बिकॉज बुलेट फायर करने से पहले वेलोसिटी ज़ीरो होगी। तो आपकी बंदूक आपने रखी और गोली मारी तो इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो हो गई। हम वर्टिकल कंपोनेंट देखेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, और अगर आपने गोली मारी भी है, गोली मारने के बाद जो आपकी स्पीड हुई है वो यू हुई है, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में स्पीड तो है नहीं, हॉरिजॉन्टल में है। तो
वर्टिकल कंपोनेंट जो हो जाएगा इसका वो ज़ीरो, वर्टिकल कंपोनेंट अगर मैं निकालूँ यहाँ से, वर्टिकल कंपोनेंट अगर मैं यहाँ से निकालूँ तो डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट में मान लिया वाई है तो वाई इज़ इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यू वाला जो कंपोनेंट है वो ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि आपका वर्टिकल कंपोनेंट ही ज़ीरो है। मतलब इस वो बोल रहा है शो दैट द बुलेट इज़ फेव द ऑब्जेक्ट, तो एट वट इंस्टेंट, तो भाई अगर इतने टाइम पे अगर आपने टी टाइम में इसको मारा है और ये जो डिस्प्लेसमेंट आपका वर्टिकली वाई है तो इसने शो दैट हिट द ग्राउंड, तो इस समय पर ये चीज़ हिट कर देगी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चेंज ऑफ फ्रेम, चेंज ऑफ फ्रेम में देखो आपको एक सिर्फ ये पढ़ना है कि आपके पास कोई फ्रेम है, फ्रेम बोले तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिससे आप चीज़ों को जो है नोट डाउन करते हो हमेशा, राइट। तो ये कोई फ्रेम है आपके पास, यहाँ पर कोई पॉइंट है पी, तो इसके कुछ कोऑर्डिनेट होंगे। अब ये कोई फ्रेम आप मान लीजिए, ये कोई फ्रेम एस है, राइट, और इसके बाद कोई दूसरा फ्रेम है जो ये भी चेंज हो रहा है, इस फ्रेम के हिसाब से ये फ्रेम चेंज हो रहा है और ये मोमेंट, ये पार्टिकल भी चेंज हो रहा है, ठीक है। तो एक काम करिए आप, यहाँ पर भी प्रॉब्लम हो जाएगी, पॉइंट थोड़ा ऊपर मान लीजिए, पॉइंट आप मानिए इस सेट में, ओके आप पॉइंट इस सेट में मान लीजिए, राइट। तो ये जो फ्रेम है आपके पास ये कुछ एस एस मान लीजिए, इसे एस डैश मान लीजिए और इसे पॉइंट पी मान लीजिए, राइट। तो जो एस है वो मूवेबल है, एस डैश जो प्लेन है आपका वो मूवेबल है, वो चेंज हो रहा है, मूवेबल है, और पॉइंट है वो भी चेंज हो रहा है, पोजीशन चेंज कर सकता है विद रिस्पेक्ट टू एस। तो एस के हिसाब से ये भी चेंज हो रहा है और पॉइंट भी चेंज हो रहा है। इस सिचुएशन में क्या करते हैं हम लोग, तो इसके हिसाब से जो इस प्लेन का जो वो तुम्हारा जो कॉम्पोनेंट होगा, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, वेक्टर होगा, पोजीशन वेक्टर, वो मैंने मान सकता हूँ यहाँ से अगर ओ है ये, राइट, और ये कुछ ओ डैश है, नीचे मान लेता हूँ यहाँ पे ओ डैश है, तो ये आप लिख सकते हो ओ डैश, ठीक है, राइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ओ डैश, और इसके हिसाब से, इस प्लेन के हिसाब से ये भी चेंज हो रहा है पार्टिकल, तो इसके हिसाब से इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, ये कुछ हो जाएगा ओ पी डैश या ओ डैश पी, राइट। तो इसका जो कंपोनेंट, जो रिजल्टेंट होगा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, जो रिजल्टेंट आएगा वो कुछ इस तरह से आ जाएगा इसका, राइट, क्योंकि ये आपका एक वेक्टर था, ये आपका एक दूसरा वेक्टर हो गया, राइट। तो आपका रिजल्टेंट कुछ इस तरीके से दिखेगा, मतलब आपके पास एक ट्रायंगुलर सम हो जाएगा, मतलब आपके पास जो वेक्टर्स कुछ इस तरह से जुड़ रहे हैं, एक वेक्टर, फिर कोई दूसरा वेक्टर है, और उनका रिजल्टेंट कहाँ से आएगा, यहाँ से आ जाएगा, ये इनका रिजल्टेंट हो जाएगा। तो ये जो वेक्टर है ये है कुछ ओ ओ डैश, कोई वेक्टर है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ओ डैश पी वेक्टर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओ पी वेक्टर, ठीक है, कुछ इस तरह से हम लोग जोड़ेंगे। और तो मतलब यहाँ पे ओ पी वेक्टर जो है वो बराबर होगा किसके, यहाँ पर ओ ओ डैश, सॉरी ओ ओ डैश है ये, ओ ओ डैश वेक्टर प्लस ओ डैश पी वेक्टर, ठीक है, ये कुछ इस तरह से होगा। ये तो कुछ डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट अगर मैं इसको टाइम से डिवाइड कर देता हूँ, अगर मैं इसको टाइम से डिवाइड कर दूँगा, फर्स्ट मान लो अगर मैं इसको टाइम से डिवाइड कर दूँगा, जब टाइम से डिवाइड करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये पहली इक्वेशन ये हो गई। दूसरी इक्वेशन में यह करता हूँ, मैं इसको टाइम से डिवाइड कर देता हूँ, ओ पी वैक्टर डिवाइड बाई डेल्टा टी, चेंज इन टाइम हुआ है, यहाँ पर ओ ओ वैक्टर ओ ओ डैश वैक्टर डिवाइड बाई डेल्टा टी, टाइम से डिवाइड कर दिया इसको भी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओ डैश पी डिवाइड बाई डेल्टा टी, राइट। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम क्या होता है, वेलोसिटी हो जाता है, तो यहाँ पे वेलोसिटी
हो जाएगी किसकी, ओपी की, बराबर किसकी होगी, वेलोसिटी ओ डैश की, राइट, प्लस वेलोसिटी हो जाएगी किसकी, वेलोसिटी हो जाएगी ओ डैश पी की, राइट। ये कुछ इस तरह से वेलोसिटीज़ हो जाएंगी। इस तरह से हम लोग एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन में कुछ इसी फॉर्मेट में लिखा जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ ओ पी बराबर होगा किसका, एक्सेलरेशन ऑफ ओ डैश, क्योंकि इसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल होने वाला है इसलिए मैं ये करा रहा हूँ आपको। और नेक्स्ट यहाँ पर एक्सेलरेशन हो जाएगा ओ डैश पी, राइट, ये इसके बराबर लिख सकते हैं हम लोग। चलिए इसके बेस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके स्विमिंग वाले जो क्वेश्चन होते हैं सारे इसी से सॉल्व होते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, अ स्विमर कैन स्विम इन स्टिल वाटर एट द रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर इफ़ ही स्विम्स इन अ रिवर फ्लोइंग 3 किलोमीटर पर आवर एंड कीप्स इज डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द करंट। तो भाई साहब, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, एक नदी को एज्यूम करना है जो एक डायरेक्शन में चल रही है, ओके। ये भाई साहब हैं स्विमर नाम के, मतलब ये तैराक हैं भैया, और ये इनको जाना है दूसरे साइड में, यहाँ जाना है इनको। इन्होंने कहा कि भाई साहब देखो, आपके पास जो वेलोसिटी दे रखी है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर दे रखी है इन स्टिल वाटर, वेलोसिटी ऑफ स्विमर रिवर के हिसाब से, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर जो दे रखी है वो दे रखी है 4 किलोमीटर पर आवर, बहुत बढ़िया। दूसरी चीज़ आपको दे रखी है, ही स्विम्स इन अ रिवर फ्लोइंग 3 किलोमीटर पर आवर, मतलब जो वेलोसिटी ऑफ रिवर है ना भैया, वो आपको दे रखी है 3 किलोमीटर पर आवर, राइट। अब आप ध्यान से देखो, मैंने बोला स्विमर की स्पीड रिवर के हिसाब से, क्योंकि जो ये वेलोसिटी दे रखी है वो स्टिल वाटर में स्विमर कितनी तेज़ी से तैर सकता है उसके बारे में बात है। अब आप बैठे हुए हैं यहाँ पर, यह है तीसरा फ्रेम, सेकंड फ्रेम, पहला फ्रेम तो रिवर है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप बैठे हुए हैं, आप तो बाहर आप पीच पे बैठे हुए हैं, राइट, नदी के सामने यहाँ पर। तो वेलोसिटी ऑफ जो स्विमर है विद रिस्पेक्ट टू रिवर 4 किलोमीटर दे रखी है आपको, वेलोसिटी ऑफ रिवर ग्राउंड के हिसाब से, मतलब आपके हिसाब से जो स्पीड दे रखी है वो दे रखी है 3 किलोमीटर पर आवर। हर चीज़ किलोमीटर पर आवर में, इसलिए मैं बार बार लिखूंगा नहीं, टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। अब क्या बंदा है, ये जो बंदा है ये जाना चाहता है उस पार, उसने बोला है ही कीप्स इज डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द करंट। तो एक काम करिए, इस चीज़ को आप यहाँ रिप्रेजेंट, यहाँ लिख लीजिए, यहाँ अगर मैं लिखता हूँ वेलोसिटी ऑफ रिवर है ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के हिसाब से वेलोसिटी ऑफ रिवर इस डायरेक्शन में है, और वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, वेलोसिटी ऑफ स्विमर जो है भैया ये दे रखी है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर वो इस डायरेक्शन में है। तो ये दोनों चीज़ दे रखी हैं आपको वेलोसिटी। अब आप बताओ मुझे, इन दोनों का रिजल्टेंट इन दोनों के बीच से निकलेगा, है ना भैया, और उन्होंने कहा है कि ये परपेंडिकुलर है तो टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, क्योंकि दो वेक्टर दे रखे हैं, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो टेंशन है नहीं। यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और आपको पता लग जाएगा ये लंबाई आपको बतानी है, वेलोसिटी ऑफ ये क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये आपको उसने पूछी है। क्या पूछा है, फाइंड द वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, किसकी वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ स्विमर ग्राउंड, ग्राउंड के हिसाब से, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ स्विमर रिवर के हिसाब से दे रखी थी। अब कुछ नहीं करना भाई साहब आपको, आपको क्या करना है, सीधा सीधा जो वेक्टर्स हैं इन दोनों को जोड़ देना है और रिजल्टेंट निकाल लेना है, कुछ नहीं। एक वेक्टर ये दे रखा था आपको, एक वेक्टर ये दे रखा है, इन दोनों को उठा के जोड़ दीजिए, रिजल्टेंट क्या आ जाएगा इनका, है ना। तो फिर ये क्या है आपके पास, वेलोसिटी ऑफ स्विमर, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये है आपके पास वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, और ये हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। आप बात समझ रहे हैं ना भाई साहब, देखिए आप यहाँ बैठे हुए हैं, आप तो ग्राउंड पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे ये ग्राउंड है, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपके हिसाब से वेलोसिटी जो है रिवर की इस डायरेक्शन में, तो आपने यहाँ लिख दिया। आपके हिसाब से जो वेलोसिटी ऑफ स्विमर है रिवर के हिसाब से, वो कह रहा है कि परपेंडिकुलर है, हमेशा हमेशा ये रखता है परपेंडिकुलर, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और स्टिल वाटर में जो है वो 4 किलोमीटर पर आ रहा है और वो इसी स्पीड से चलता रहता है। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर ग्राउंड के हिसाब से कितनी होगी वो आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो आपको वही पुराना कॉन्सेप्ट हो गया ये। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैं अगर इस तरह से लिखूंगा तो इस ट्रायंगल का अगर मैं एडिशन करूँ, ट्रायंगुलर एडिशन के हिसाब से, तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बराबर होगा वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ स्विमर
विद रिस्पेक्ट टू रिवर, है ना भैया। ये दोनों जो वेक्टर थे, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और ये वाला वेक्टर वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, तो ये इनका रिजल्टेंट हो जाएगा। और इसको इस तरह से लिख सकते हैं, अगर आपने ये इक्वेशन इस तरीके से बना ली तो आपकी ज़िंदगी है बहुत आसान, ठीक है, आपकी ज़िंदगी होने वाली बहुत आसान। अब ये जो इक्वेशन निकल कर आई है ना आपके पास, इसी इक्वेशन को आपको पहले हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तोड़ना है, इसी इक्वेशन को पहले हॉरिजॉन्टल वाइज लिखना है, दूसरा क्या काम पढ़ना है तो वर्टिकल वाइज लिख लेना है। इसके अलावा कोई काम है नहीं आपकी ज़िंदगी में। देखो यहाँ कर लेते हैं, छोटी सी जगह में अगर स्लाइड दूसरी लेंगे तो हो जाएगा डिस्टर्बेंस। यहाँ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, अगर मैं हॉरिजॉन्टल वाइज इसको तोड़ता हूँ, हॉरिजॉन्टल अगर हॉरिजॉन्टली मैं इसको कंपोनेंट तोड़ता हूँ इस इक्वेशन को, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ स्विमर हॉरिजॉन्टली कितना है भाई, हॉरिजॉन्टल एक्सिस मैंने ये मानी है भाई, मैंने हॉरिजॉन्टल इससे माना है, ठीक है, और वर्टिकल इसे मान लिया है, ये ध्यान रख लियो, हो चढ़े बन गए तो सीधे कर लो। चलो भाई मैंने इसको देखो ये वर्टिकल माना है और ये हॉरिजॉन्टल, ठीक है, मैं बार बार नहीं बता रहा आपको, ये हमेशा सबको पता होता है। हॉरिजॉन्टल के डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू गिवर हॉरिजॉन्टली कितना है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये है। तो भैया ये कुछ ना कुछ एंगल बना रहा होगा, तो आपको निकालना ये है, टेंशन है नहीं, अब आपको वो करो ही मत, चलो एक काम करो ये सब करो ही मत, पागल पाना है ये सब करना, तो क्योंकि हमें कुछ एंगल वेंगल थोड़ी पूछा है, हमें तो सिर्फ लंबाई पूछी है। तो क्या करेंगे भैया, इस ये लंबाई है, इसका भी हमें लंबाई दे रखी है, इस वेक्टर की लंबाई दे रखी है, इस वेक्टर की लंबाई निकालना है, बहुत ईजी हो गया ही, तो ये तो फालतू मैंने काम करवा दिया, तो एक काम करो ये सब काम मत करो, डायरेक्ट इसी क्या करो, चलो मैं बता दे रहा हूँ उसको, वरना तुम पता नहीं क्या कर बैठोगे, ये छोड़ दो, ये अगले वाले क्वेश्चन के लिए हम लोग आकर रहेंगे, जब हम लोगों को एंगल वेंगल पूछेगा दुनिया भर की चीज़ें तब। देखो ये तो बहुत ईजी हो गया, इसमें तो कुछ बचा ही नहीं, ये तो ट्रायंगल है सीधा सीधा, इसकी लंबाई दे रखी है आपको विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये दे रखा है 3 और ये दे रखा है 4, तो भैया ये कितना होगा, ये तो सबको पता है, ये तो 5 ही होने वाला है, ये 5 हो जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हो जाएगा भैया, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो गया 5, बस ये पूछा था आपसे, इसमें कुछ क्वेश्चन वोश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बस आपको सीधा सीधा समझना है, वो जो मैंने इक्वेशन अभी आपको लिखी थी वो उस इक्वेशन का इस्तेमाल हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे, बिकॉज वहाँ पे एंगल वेंगल का ड्रामेबाजी शुरू हो जाएगी। आपको ये बात समझ में आई, वेलोसिटी ऑफ रिवर ऑफ ग्राउंड हमेशा आप इधर डायरेक्शन में लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ मैन मतलब स्विमर कह सकते हो, मैन कह सकते हो, वो हमेशा इस डायरेक्शन में लिखेंगे, और जो उनका रिजल्टेंट दोनों के बीच से निकलेगा, बस आपको ये बात समझनी है। अगर आपने ये क्वेश्चन लिख ली नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो आपके लिए ज़िंदगी बहुत आसान होने वाली है, इसमें ऐसा कुछ था नहीं। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है ये, तो यहाँ पर अ मैन इज़ वॉकिंग ऑन अ लेवल रोड, मैन है जो वॉक कर रहा है, राइट, स्पीड है उसकी दे रखी है 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक भैया। तो आपका ये एक रोड है, मैंने मान लिया ये एक रोड मान लेता हूँ मैं, ये एक मैन है, अ मैन इज़ वॉकिंग ऑन अ लेवल रोड विद द स्पीड ऑफ दिस, तो भाई साहब ये चल रहे हैं किसी स्पीड से, ठीक है, 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रहा है, रेन ड्रॉप फॉल वर्टिकली विद द स्पीड ऑफ इतना, तो रेन जो ड्रॉप हो रही है वो इस डायरेक्शन में हो रही है, वर्टिकली हो रही है, तो ये है 4 किलोमीटर पर आवर, अरे इसको भी ऐसे लिख लो 4 किलोमीटर पर आवर, बहुत बढ़िया। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द रेन ड्रॉप विद रिस्पेक्ट टू द मैन, तो ये दे रखा है रेन ड्रॉप फॉल वर्टिकली विद द स्पीड ऑफ दिस, तो ये क्या दे रखा है, देखो ये मैन की स्पीड दे रखी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये जो आपको दे रखा है थ्योरी, ये दे रखा है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, कितनी है भैया, ये है आपकी 3। अब ये है वेलोसिटी ऑफ, ये दे रखी है आपको वेलोसिटी ऑफ रेन, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये दो चीज़ दे रखी हैं, ठीक है। देखो आपका मैन जो चल रहा है इस डायरेक्शन में, ये बना दिया मैन वाला, वेलोसिटी ऑफ मैन है ये ग्राउंड के हिसाब से, ये भाई साहब जा रहे हैं नीचे, ठीक है, ये है वेलोसिटी ऑफ रिवर ग्राउंड के हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। वो कह रहे हैं कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द रेन ड्रॉप विद रिस्पेक्ट टू द मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप मतलब आपसे पूछा जा रहा है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू द मैन, अच्छा भैया ये पूछा जा रहा है आपसे, ध्यान से देखो आपको मैंने अभी तक ये सिखाया है कि आपको हमेशा जो कंपोनेंट जोड़ने होते हैं वो हेड से टेल जोड़ा जाता है,
यहाँ पर देखो टेल से टेल जोड़ दिया गया, तो एक काम करो इसका जो पीछे वाला इसका जो कंपोनेंट होगा ये माइनस में हो सकता है। ये वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इस डायरेक्शन में तीन है ना भैया, इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, तो माइनस का 3 हो जाएगा। कर सकते हैं ना ऐसा, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, माइनस का 3। कोई तकलीफ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो रिजल्टेंट इनका यहाँ से निकलेगा, रिजल्टेंट यहाँ से निकल गया। जब तक दो वेक्टर को आप टेल वाइज नहीं जोड़ेंगे, टेल वाइज जोड़िए और रिजल्टेंट उनके बीच से निकलता है। टेल वाइज वेक्टर्स को जोड़िए, रिजल्टेंट उनके बीच का निकलेगा। अगर नहीं बन रहा है तो हिसाब किताब बना लो अपने, जैसे चाहे वैसे करना है। मैंने टेल वाइज जोड़ दिया, रिजल्टेंट उनके बीच का निकाल दिया। तो देखो यहाँ पर भी ग्राउंड है, यहाँ पर भी ग्राउंड है, तो ग्राउंड तो आएगा नहीं। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ये क्या भाई, रेन है भैया, आर है, ये आर है, वेलोसिटी ऑफ रेन है, ये वेलोसिटी ऑफ रेन। तो यहाँ पे भैया जी तो जी कॉमन हो गया, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप विद रिस्पेक्ट टू मैन आ जाएगा, ये वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप विद रिस्पेक्ट टू मैन आ जाएगा, ठीक है, ओके। तो वो पूछ रहा है कि भाई कितनी वेलोसिटी होगी वो आपको बताना है, बस कुछ नहीं करना है इसमें आपको। फिर से ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर तो ऑलरेडी इस डायरेक्शन में है ही है, ये वेक्टर को यहाँ शिफ्ट कर दो तो कुछ ऐसा बन जाएगा। देखो आपको ये कुछ ऐसा बन गया, ये वेक्टर इस डायरेक्शन में, ये वेक्टर इस डायरेक्शन में, और ये आपका हो जाएगा रिजल्टेंट, वो इस डायरेक्शन में हो गया, ठीक है, ओके। ये दे रखा है आपको माइनस का 3, ये दे रखा है आपको कितना, ये तो आपको दे रखा है कितना भाई, कितना दे रखा था ये तो 4 दे रखा था, 4 हो गया, ये 4 हो गया। ये नहीं बता पाओगे अब, बता दो क्या दिक्कत होगी भाई इसमें, ये तो फिर भी 5 हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 5 हो जाएगा। वो तो डिस्प्लेसमेंट होता है, डायरेक्शन तो हमने सिर्फ निकाली थी। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द रेन ड्रॉप विद रिस्पेक्ट टू द मैन, फिर से 5 आ गया, क्योंकि आपको तो वेलोसिटी बतानी है ना। एंगल वेंगल पूछेगा तब टेंशन आएगी, एंगल तो पूछा है नहीं उसने, तो मैग्नीट्यूड आप चाहे उधर को लिखो चाहे इधर को, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे निकाल सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू द मैन क्या आ गई, वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप विद रिस्पेक्ट टू मैन आ गई कि भाई 5। फिर से देखो ध्यान से, ये क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। आप देख लो मैं कुछ नहीं कर रहा, ये लंबाई है 3, ये लंबाई है 4, तो भैया ये लंबाई कितनी होगी, फिर से बता दो ना, 5 होगी, कितने और बताऊँ ये बात, 3, 4, 5 का ट्रायंगल होता है, याद रखा करो उसको, 53 और 37 भी याद रखा करो साथ में, ठीक है भैया। इन क्वेश्चनों में डरना नहीं है पहली बात आपको, अभी क्वेश्चन का थोड़ा कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगा, उसको ओवरकम करने के लिए वो मैंने क्वेश्चन बताने तरीका बताया था ना, वैसे आपको लिखना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है कि अ मैन कैन स्विम इन स्टिल वाटर एट अ स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। तो एक मतलब यहाँ पे स्पीड दे रखी है आपके पास, वेलोसिटी ऑफ मैन की स्टिल वाटर के हिसाब से, मतलब रिवर के हिसाब से कितनी है, 3 किलोमीटर पर आवर। तो और ही वांट्स टू क्रॉस अ रिवर दैट फ्लोज 2 किलोमीटर पर आवर, और ये एक रिवर क्रॉस करना चाहता है जिसकी वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी ऑफ रिवर दे रखी है ये ग्राउंड के हिसाब से कितनी, 2 किलोमीटर पर आवर। देखिए आपकी रिवर ये फ्लो हो रही है यहाँ पे इस तरह से इस डायरेक्शन में, ये आपकी वेलोसिटी ऑफ रिवर है ग्राउंड के हिसाब से, क्योंकि आप ग्राउंड कहाँ मानते हैं, बाहर मानते हैं हमेशा, ग्राउंड ये हिस्सा होता है ना, तो रिवर की डायरेक्शन ये है। और एक स्विमर है वो उसने एक पॉइंट से स्टार्ट करना शुरू किया है एंड ही रीचेस द पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट टू द पॉइंट, तो उसने यहाँ से स्टार्ट किया है और यहाँ पहुँचा है, उसने डायरेक्टली अपोजिट डायरेक्शन में पहुँचा है, तो उसको चलना पड़ेगा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जब वो चलेगा तभी वो उधर पहुँचेगा, जब वो इस डायरेक्शन में चलेगा तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन रिवर के हिसाब से, तभी ये पहुँचेगा इस डायरेक्शन में। तो मैं यहाँ पे पेन चेंज कर लेता हूँ, तभी ये इधर पहुँच सकता है क्योंकि इसको डायरेक्टली अपोजिट पहुँचना है, मतलब इसको यहाँ पहुँचना है, तो ये डायरेक्शन जो दिखेगी आपको ग्राउंड के हिसाब से दिखेगी, वेलोसिटी ऑफ मैन ग्राउंड के हिसाब से आपको दिखेगा इधर को, लेकिन वो चलेगा इधर को क्योंकि वेलोसिटी रिवर की भी कुछ है, इधर अगर चलेगा पहुँचना उधर को है, तो ये ग्राउंड के हिसाब से दिखेगा कि इधर पहुँच गया, लेकिन चला तो उधर को है, तो वेलोसिटी ऑफ मैन रिवर के हिसाब से इधर चला है, तो कुछ एंगल थीटा डिग्री से एंगल चलेगा, और ये क्या है, कौन सी डायरेक्शन है, ये वेलोसिटी ऑफ रिवर है, वेलोसिटी ऑफ रिवर ग्राउंड के हिसाब से। देखिए आपका ट्रायंगल बन गया,
बहुत इजी बन गया देखिए ट्रायंगल। तो क्या करेंगे आप, इसको पैरेललोग्राम बनाया करेंगे हमेशा। ये पैरेललोग्राम बना, ये आपका रिजल्टेंट हो जाएगा भाई, ये आपका रिजल्टेंट हो गया वेलोसिटी ऑफ मैन ग्राउंड के हिसाब से, ये आपका रिजल्टेंट हो जाएगा। तो जब आप इस ट्रायंगल को यहाँ ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको, वेलोसिटी ऑफ रिवर और ये आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ मैन आ गया ये, और ये सब आपका क्या हो जाएगा, ओहो ये थोड़ा गंदा बना दिया, चलो ये वेलोसिटी ऑफ रिवर हो गई है, ठीक। ये आपका पहुँचेगा वेलोसिटी ऑफ, क्योंकि ये इसको यहाँ पहुँचना है ना, ये हो जाएगी आपकी, क्योंकि परपेंडिकुलर पहुँचेगा बिल्कुल एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसको इस डायरेक्शन में दिखेगा वेलोसिटी ऑफ मैन ग्राउंड के हिसाब से, ग्राउंड के हिसाब से ये हो जाएगी। और ये जो आपकी ये जो है ये आपका वो एंगल बनेगा जिस एंगल से वो चलना शुरू किया था, तो ये कितनी, ये क्या हो गया, ये हो जाएगा आपका वेलोसिटी ऑफ मैन रिवर के हिसाब से, है ना। देखो वेलोसिटी ऑफ मैन रिवर के हिसाब से इस डायरेक्शन में चलेगा, और वेलोसिटी ऑफ मैन ग्राउंड के हिसाब से पहुंचेगा यहाँ पर, और वेलोसिटी ऑफ रिवर इस डायरेक्शन में, तो आपके पास ये ट्रायंगल बन जाएगा, राइट। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आप लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ मैन ग्राउंड के हिसाब से बराबर होगा इसके प्लस इसके, क्योंकि इन दोनों का सम होना चाहिए ना, ये दोनों इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्या हो गया वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये इस डायरेक्शन हो जाएगा ना, ये गलत लिख दिया, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो हो गया, ये वाला भी गलत हो गया, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये है, ये वेलोसिटी ऑफ मैन ग्राउंड के हिसाब से है, और ये जो रिजल्टेंट निकल कर आया आपका ये वेलोसिटी ऑफ मैन रिवर के हिसाब से है। तो आपके पास देखिए वेलोसिटी ऑफ रिवर ग्राउंड के हिसाब से ये रहा, तो सम जो सम रिजल्टेंट होगा वो होगा वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बराबर होगा वेलोसिटी ऑफ रिवर ग्राउंड के हिसाब से प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन रिवर के हिसाब से। देखो ट्रायंगल सम है ये एक वेलोसिटी ऑफ रिवर है इस डायरेक्शन में ग्राउंड के हिसाब से, और ये कौन सा वेलोसिटी ऑफ मैन रिवर के हिसाब से, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में चलेगा, मैंने इस वेक्टर को यहाँ शिफ्ट कर दिया है, ये इस डायरेक्शन में ऐसा आ गया, तो इन दोनों का सम इसके सम के बराबर होगा, क्योंकि ये रिजल्टेंट बन जाएगा, है ना, पहले का टेल लास्ट वाले का हेड से कनेक्ट हो गया, राइट। अब इस इक्वेशन को हम लोग अपना बेसिक मानेंगे, और यहाँ पर ये जो एंगल है ना बेटा, ये एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल वाइज तोड़ता हूँ, अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल वाइज तोड़ूंगा, राइट, इसी इक्वेशन को हॉरिजॉन्टल वाइज तोड़ूंगा, एग्जैक्टली इसका कंपोनेंट लूंगा हॉरिजॉन्टल वाइज कितना होगा, पैन चेंज कर लेता हूँ, इसका हॉरिजॉन्टल वाइज कंपोनेंट क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ मैन ग्राउंड के हिसाब से, क्योंकि तो वर्टिकल डायरेक्शन में, तो उसका जो रिजल्ट, इसका जो कंपोनेंट होगा हॉरिजॉन्टल वाइज वो तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये तो वर्टिकल डायरेक्शन में है ना, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कॉस 90 होगा, कॉस 90 की वैल्यू जीरो हो जाएगी, वी एम जी वेलोसिटी ऑफ मैन ग्राउंड के हिसाब से जो आपकी स्पीड आएगी ना कॉस 90, क्योंकि ये तो एंगल 90 डिग्री का है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये तो जीरो हो गया। और वेलोसिटी ऑफ रिवर ग्राउंड के हिसाब से, वेलोसिटी ऑफ रिवर का है ग्राउंड के हिसाब से हॉरिजॉन्टल वाइज में, ये हॉरिजॉन्टल वाइज ही है, तो इसकी जो डायरेक्शन है ये प्लस है, ये 2 हो गया, क्योंकि ये दे रखी थी हमको। और वेलोसिटी ऑफ मैन रिवर के हिसाब से, वेलोसिटी ऑफ मैन रिवर के हिसाब से हॉरिजॉन्टल वाइज इस डायरेक्शन में होगा ना, क्योंकि ये तो वर्टिकल हो गया और हॉरिजॉन्टल होगा माइनस का वी एम आर वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर कॉज साइन थीटा, है ना, साइन थीटा क्यों होगा, क्योंकि हमें हॉरिजॉन्टल वाइज चाहिए, राइट। और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये चीज़ पूरी माइनस में हो जाएगी, तो ये माइनस वाला इधर उठा के ले जाऊँगा, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन रिवर के हिसाब से साइन थीटा, यही हमको चाहिए होगा, बराबर 2। तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा 2y वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ये हो गया। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर आपको दे रखा है 3 है, तो ये हो जाएगा आपके पास 2y 3, दैट्स इट। तो साइन थीटा की जो वैल्यू आ गई वो आ गई आपके पास, साइन थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 2y 3, राइट। ये आपके पास हो जाएगा एंगल, इस एंगल से यहाँ से मूव करना पड़ेगा, अगर थीटा चाहिए तो हो जाएगा साइन इनवर्स 2y 3, ये होगा आपके पास एंगल, राइट, ये हो गया। तो वो पूछ रहा है हाउ मच टाइम विल इट टेक टू क्रॉस द रिवर। अब इसको जब क्रॉस रिवर को क्रॉस करना है तो वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करेगा, वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करेगा तो इसको इस डायरेक्शन में चलना होगा, मतलब मेरे को इसी इक्वेशन को फिर से वर्टिकल डायरेक्शन में
कंपोनेंट करना है। तो मैं काम करता हूँ, एक इस तुम्हारा ले लेता हूँ स्लाइड, मैं एक क्वेश्चन फिर से लिख लेता हूँ। वेलोसिटी ऑफ मैन ग्राउंड के हिसाब से, और ये कितना आता है, वेलोसिटी ऑफ रिवर ग्राउंड के हिसाब से प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन रिवर के हिसाब से, है ना। तो मैं इसके किस किस कंपोनेंट में तोड़ रहा हूँ, वर्टिकल कंपोनेंट में मैं इसको तोड़ लेता हूँ। आपको दो ही काम करने हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में तोड़ना है और फिर वर्टिकल कंपोनेंट में तोड़ना है। अब मैं इसको जब वर्टिकल वाइज तोड़ूंगा तो मैं यहाँ से पेन चेंज कर लेता हूँ, पेन जो है मैं यहाँ से ब्लू कलर ले लेता हूँ। तो अगर मैं इसको वर्टिकल वाइज तोड़ूंगा, क्योंकि वर्टिकल वाइज कैसे दिखेगा, तो अगर आप यहाँ से देखिए, अगर आप इसको वर्टिकल वाइज तोड़ेंगे, इसको आप जब वर्टिकल वाइज तोड़ेंगे, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में ही है तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, है ना, क्योंकि तो वर्टिकल डायरेक्शन में ही है तो इसका कंपोनेंट करने की ज़रूरत नहीं। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये वर्टिकल डायरेक्शन में ही है, राइट। और इसका वर्टिकल डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि क्योंकि वेलोसिटी ऑफ रिवर जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, इसलिए वो ज़ीरो हो गया। और वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर वर्टिकल डायरेक्शन में कॉस थीटा वाला हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर कॉस थीटा, तो कॉस थीटा हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, ये वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो है आपका कितना था, वो यहाँ से देख लेंगे। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दे रखा था क्या, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो है आपका निकालना था क्या, क्या हुआ, हाउ मच टाइम विल टेक टू क्रॉस द रिवर। तो अगर आप वेलोसिटी ऑफ जो है वेलोसिटी ऑफ मैन ये वाली जो कंपोनेंट है ना, ये अगर निकाल पा रहे और स्पीड, और अगर आप उसको टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे, है ना, तो पहले काम करिए, आप इसको इस डायरेक्शन में निकाल लीजिए, ये आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर कितना था, ये तो पता ही होगा ना, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर 3 है। तो यहाँ पे वैल्यू में 3 रिप्लेस कर देता हूँ, 3, और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि साइन थीटा की जो वैल्यू निकली थी वो निकली थी 2/3, है ना। देखो आपके पास साइन थीटा की जो वैल्यू निकली थी वो थी 2/3, आपको कॉस थीटा चाहिए, है ना। तो कॉस थीटा निकाल लेंगे यहाँ पे, साइन थीटा का मतलब 2/3 का मतलब 2 यहाँ आएगा और 3 यहाँ आएगा, और ये हो जाएगा 9 के स्क्वायर में से 4 घटा दी, 9 में से 4 घटेगा तो 5 बचेगा, तो अंडर रूट 5 हो जाएगा ये चीज़, राइट। कॉस थीटा निकालने के लिए आपको, अगर ये एंगल थीटा है, ठीक है, आधार बटे कर्ण होता है, तो ये हो जाएगा बेस रूट 5/3, है ना, क्योंकि वो होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेनस और ये होता है बेस वाई हाइपोटेनस कॉस। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका आंसर, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया और बचा आपके पास वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये हो जाएगा आपके पास रूट अंडर रूट 5, ये हो जाएगा किलोमीटर पर आवर, क्योंकि आपके पास ये आंसर दे रखा था। लेकिन वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, वो इंटरेस्टेड है कि आपको कितना टाइम लगा है। तो जो आपकी डायरेक्शन है, मतलब जो वेलोसिटी है, क्योंकि डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम, राइट। अब आपको टाइम निकालना है तो हो जाएगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड। स्पीड कौन सी लगाएंगे, जो वर्टिकल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना। तो डिस्टेंस कितनी है, 500 मीटर, दैट मीन्स 0.5 मीटर। 0.5 मीटर का मतलब हो गया, चलिए 0.5 लिख लेता हूँ वरना आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.5 मीटर, राइट। और वेलोसिटी हो गई आपके पास रूट 5, राइट। एंड अगर जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा हाफ रूट 5, और रूट 5 कभी यहाँ लिखते नहीं है, तो इसका मतलब हो जाएगा रूट 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो ये दिखेगा आपको रूट 5, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा रूट 5। तो फाइनली आपका जो आंसर दिखेगा वो दिखेगा कुछ इस तरीके का, क्या दिखेगा, कुछ आंसर दिखेगा आपका रूट 5 से रूट 5, मतलब ये हो जाएगा √5/10, ये आपका आंसर हो जाएगा। सो इतना टाइम लगेगा आपको मूव करने में, है ना, ये आपका रूट टाइम जो लगा आपका वो लगा है √5/10, इतना आपको क्या लगेगा, टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, लगभग 2.5625 हो जाता है, लगभग 2.4 कर सकते हैं, और लगभग 0.24 आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये जो आंसर आने वाला है आपका,
वो घंटे में आएगा है ना, तो आपको सेकंड में निकालना है, तो आपको 3600 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, मिनट में आ जाएगा। अगर आपको घंटे में चाहिए तो आपको ये घंटे में आंसर ठीक है। तो 2.2 लगभग होता है, 2.2 लगभग वैल्यू आती है डिवाइड बाई 10, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो लगभग हो जाएगा 0.22 आर, है ना, इतना टाइम लगभग लगेगा अगर आप घंटे में आंसर है आपके पास। अगर आपके पास सेकंड में मिनट में जो भी पूछा, आप इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। राइट, ओके, थैंक यू।